हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बारिश के मौसम में खाए जाने वाला बहुत ही क्रिस्पी सा स्नैक्स, जिसका मैंने नाम दिया है फ्लावर समोसा। और ये बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बहुत ही कम समय में बनके रेडी हो जाता है। एक कप गेहूं के आटे से बनके तैयार होता है ये और बहुत आसान है इसको बनाना। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या लगेगा। चटपटा क्रिस्पी स्नैक बनाने के लिए हम ले लेंगे एक कप गेहूं का आटा। आप मैदे से भी बना सकते हैं, मैं आटे से बना रही हूँ। अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच अजवाइन क्रश करके, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और थोड़ी सी हम डाल देंगे कलौंजी, कलौंजी से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है हमारे जो नाश्ते का। और एक बड़ा चम्मच डाल देंगे तेल या घी, जो भी आप खाते हैं। एक छोटी चम्मच हम डाल देंगे नमक। ऑयल को हम आटे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम बढ़िया से हमें मिक्स करना है कि ऑयल जो है सारे आटे के अंदर हमारे लग जाए। हमारा नाश्ता इसी से ही क्रिस्पी बनेगा। तो इस तरीके से मसल मसल के हमें ऑयल को पूरे आटे के अंदर हमें अच्छे से लगा देना। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। पानी के साथ इसका एक सेमी सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। ना हमें डो ज्यादा टाइट चाहिए और ना ही ज्यादा लूज, तो एक सेमी सॉफ्ट सा हम डो बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप डो को तैयार कर लीजिए। डो हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको ढक के 10 मिनट के लिए साइड में फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए हमने एक बाउल के अंदर दो बॉइल्ड आलू ले लिया। अब इनको हम फोक से क्रश कर लेंगे। और हमें बिल्कुल मोटे मोटे आलू नहीं चाहिए, सॉफ्ट सी आलू की फिलिंग चाहिए। तो इसलिए अच्छे से हम इसको आलू को मैश कर लेंगे। आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हो, लेकिन मैं फोक से कर रही हूँ तो मैं इसको मैश कर लेती हूँ, क्योंकि आलू मैंने थोड़े से ज्यादा उबाले थे तो अच्छे से मैश हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी मसाला। एक छोटा चम्मच डालूंगी भुने जीरे का पाउडर। लाल मिर्च डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। हम आटे में भी नमक डाल चुके हैं तो इसलिए अपना देख के। थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा हमारी जो फिलिंग बनाएंगे उसमें। आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को आलू के अंदर। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है, एकदम क्रिस्पी बनता है, मसालेदार, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में और बनाने में भी झटपट बनके रेडी हो जाता है। तो मैंने आलू अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। और अब इसमें लास्ट में डालेंगे दो चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब इसको अपने हाथों से अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। कॉर्नफ्लोर हमने इसलिए डाला है, कॉर्नफ्लोर से एक इसका आलू का जो है टेक्स्चर वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जब हम अपना नाश्ता बनाएंगे तो वो फिलिंग निकलेगी नहीं बाहर, इसमें एक बाइंडिंग सी आ जाएगी आलू के अंदर, ये फिलिंग हमारे नाश्ते में से निकलेगी नहीं। तो ये में कॉर्नफ्लोर डालना बहुत ज़रूरी है। हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसको बनाते हैं, कैसे बनाना है। तो फ्रेंड, डो हमने जो रखा था सेट होने के लिए, डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। एक बारी मैं इसको सॉफ्ट कर लेती हूँ। और अब मैं इस डो में से पेड़े बनाऊंगी। मैं दो पेड़े बना लूंगी इसके। अब मैंने दो पेड़े ले लिए हैं इसमें से रोटी के जितने। अब इनकी मैं दो रोटियाँ बेल लूंगी। मैंने सूखा आटा लगा लिया है। अब मैं इसको बिल्कुल रोटी की जैसे बेल लूंगी। और मुझे दो सेम साइज की रोटियाँ चाहिए, तो मैं सेम साइज की रोटियां बेल के रेडी कर ली। तो फ्रेंड, मैंने बिल्कुल सेम साइज की दो रोटियां बेल के रेडी कर लिया है। अब मैं एक रोटी को हटा दूंगी और एक रोटी को इसी तरीके से रखूंगी। अब ये जो हमने आलू का बैटर बनाया था, ये हम एक रोटी के ऊपर लगा लेंगे अच्छे से। बिल्कुल पतली पतली लेयर लगानी है हमें, और फोक से ही लगा लेंगे, फोक से ही अच्छे से लग जाएगी। तो मैं ये इस पर पूरा लगा लेती हूँ। तो मैंने आलू अच्छे से लगा लिया। अब ये स्पैचुला लेके मैं इसको प्लेन कर दूंगी एकदम, और बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए रोटी से, अंदर ही अंदर लगाना है हमें, किनारे किनारे पे सारे तरफ लगा देना है, लेकिन बाहर नहीं। तो मैंने इसको प्लेन भी कर दिया है स्पैचुला से ही। स्पैचुला ले लेना या कटोरी होती है ना, उसको उल्टा करके उससे भी आप इसको प्लेन कर सकते हैं। अब ये मैंने दूसरी रोटी ले ली है, ये इसके ऊपर रख देंगे और साइडों से इसको अच्छे से दबा देंगे। पूरी रोटी आ गई है, इसको साइडों से दबा देंगे कि हमारी जो फिलिंग है वो बाहर निकले ना। तो मैं इसको साइडों से दबा देती हूँ बहुत अच्छे से। तो ये मैंने दबा दिया है। अब मैं इसको हल्के हाथों से बेल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने बेल लिया है। अब एक धार वाला चाकू लेके इसको साइडों से हम काटेंगे और लंबी लंबी पट्टियाँ से काट लेंगे। हम इस तरीके से डेढ़ डेढ़ इंच की हम पट्टियाँ काट लेंगे, और बहुत ही आराम आराम से काटना है क्योंकि बहुत सॉफ्ट है ये, तो निकल ना जाए फिलिंग हमारी, तो इसलिए आराम आराम से काट। तो ये पट्टियाँ मैंने काट ली है। अब इसको हम टेढ़ा करके भी काट लेंगे। पहले हम साइड वाली निकाल देंगे क्योंकि इससे हमारा स्क्वायर पीस नहीं बनेगा। तो हम ये डेढ़ डेढ़ इंच की साइड में भी पट्टियाँ काट लेंगे। तो आप बीच में देखेंगे एक स्क्वायर सा हमारे पास, एक स्क्वायर सी पीसेज आ गए हैं हमारे पास। तो इस तरह के हमें स्क्वायर पीसेज निकालने हैं। तो मैं ऐसे ही काट लूँगी इसको। तो ये काट के मैंने तैयार कर लिए हैं। मैं स्क्वायर पीसेज निकाल लेती हूँ साइड में। तो फ्रेंड, ये स्क्वायर पीसेज मैंने निकाल के प्लेट में रख लिए हैं। अब आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे जो हमें शेप बनानी है। तो हम ये दोनों कोने को पकड़ेंगे और इसको इस तरीके से दबा देंगे। फिर हम साइड इसको पीछे की तरफ से इसको दबा देंगे। तो ये हमारा पोटैटो फ्लावर बनके रेडी हो गया। ये हमें इस तरीके से ये स्नैक बना के रेडी करना है।
मैं एक और दिखा देती हूँ आपको। तो हमें ये इस तरीके से लेना है, पहले दोनों कोनों को हमें ऐसे मिक्स मिलाना है और उसको दबाना है, फिर हमें उल्टे की तरफ से करके दोनों कोनों को पकड़ के इस तरीके से दबाना है। तो ये हमारा पोटैटो फ्लावर बनके तैयार हो गया है। तो इस तरीके से हमें सारे बना के रेडी करने हैं। तो मैं इनको रेडी कर लेती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया है आपको उसी तरीके से करना है, जिससे इनकी शेप बहुत अच्छी आती है, एकदम फ्लावर की तरह इनकी शेप आएगी। ये देखो, तो मैं तैयार कर लेती हूँ इनको। तो फ्रेंड मैंने पोटैटो फ्लावर बना के इस तरह से रेडी कर लिया, अब मैं इनको करूँगी फ्राई। तो फ्रेंड मैंने गैस पे कढ़ाई रख ली है, गैस को ऑन कर दिया, इसमें ऑयल डाल दिया गर्म होने के लिए, तेल हमारा हल्का गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें ये फ्राई करने के लिए डालेंगे हमारे फ्लावर समोसे। तो हमें गैस को थोड़ा मीडियम ही रखना है, हल्की आँच पर हम इसको फ्राई करेंगे, जब ये अच्छे से करारे हो जाएंगे। तो मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ लो मीडियम गैस करके। हमें लास्ट में गैस तेज करनी है, जब ये हल्के ब्राउन कलर के हो जाए फिर हमें गैस तेज करनी है। अभी हम कम गैस पे ही इसको फ्राई करेंगे क्योंकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। फ्रेंड लो मीडियम गैस पे मैंने अच्छे से गोल्डन कर ली है। अब इसको मैं इनको आधे मिनट के लिए तेज गैस पे फ्राई करूंगी कि जिसमें तेल है वो भी नहीं भरेगा और ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से। फ्रेंड हो गया है आधा मिनट मुझे फ्राई करते हुए, अब मैं इनको निकाल लूंगी और इसी तरीके से सारे फ्राई कर लूंगी। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारा बारिश के मौसम में खाए जाने वाला बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी सा स्नैक्स फ्लावर समोसा। ये इतना टेस्टी होता है और एकदम क्रिस्पी होता है, अंदर से हल्का सा सॉफ्ट होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ मैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।